नई सरकार में क्या नए रूप लेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, नीति आयोग क्यों कर रहा मूल्यांकन। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। पीएम किसान योजना का मूल्यांकन नीति आयोग करने जा रहा है। नीति आयोग ने मूल्यांकन के उद्देश्य की जानकारी भी अपने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में दी है, जिसके अनुसार योजना अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई या नहीं और योजना के क्रियान्वयन का आकलन के बिंदुओं पर योजना का मूल्यांकन किया जाएगा। देश में नई सरकार जून के आखिरी सप्ताह तक अपना आकार ले लेगी, मसलन प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट भी गठित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही नई सरकार का 100 दिन का एजेंडा भी सेट होने की संभावनाएं हैं। मसलन किसी भी सरकार का पहले 100 दिन के कार्यकाल की समीक्षा से उसके 5 साल के एजेंडे को समझने में मदद मिलती है, मतलब नई सरकार का पहले 100 दिन ही कार्यकाल खुद के पांव पालने में ही दिख जाते हैं वाली कहावत को चरितार्थ कराता है। ऐसे में इस बार भी नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर सबकी नजर होगी, जिसमें पीएम किसान योजना को लेकर कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसके तहत उम्मीद लगाई जा रही है कि नई सरकार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना नया रूप ले सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नई सरकार में पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में पीएम किसान सम्मान निधि शामिल दिखाई पड़ रही है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। पीएम किसान योजना का मूल्यांकन करने जा रही सरकार, नई सरकार में पीएम किसान योजना नए रूप में आएगी, इसको लेकर अटकलों का बाजार इस वजह से गर्म है क्योंकि नीति आयोग ने पीएम किसान योजना का मूल्यांकन कराने का फैसला किया है। इसके लिए नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने संबंधित एजेंसियों से मूल्यांकन के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल मांगा है। साथ ही DMEO ने मूल्यांकन का कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके तहत 29 जुलाई तक मूल्यांकन के लिए एजेंसियों को काम आवंटित कर दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। कहां होगा पीएम किसान योजना का मूल्यांकन? पीएम किसान योजना को मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में शुरू किया था, जो केंद्र सरकार की किसानों के लिए प्रमुख DBT योजना है, जिसके तहत किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए सीधे भेजे जाते हैं। अब 5 साल पूरे होने पर इस योजना के मूल्यांकन की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत देश के 24 राज्यों 50,000 किसान परिवारों का सर्वे किया जाएगा। इन 24 राज्यों में UP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और गोवा शामिल हैं। नीति आयोग की तरफ से जारी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में कहा गया है कि इस सूची में पहले 17 राज्यों में पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या 95% है। क्या योजना अपना पूरा लक्ष्य कर पाई? पीएम किसान योजना का मूल्यांकन नीति आयोग करने जा रहा है। नीति आयोग ने मूल्यांकन के उद्देश्य की जानकारी भी अपने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में दी है, जिसके अनुसार योजना अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई या नहीं और योजना के क्रियान्वयन का आकलन बिंदुओं पर योजना का मूल्यांकन किया जाएगा। योजना किस हद तक फसल विविधीकरण, भंडारण, बाजार पहुँच, अन्य घरेलू जरूरतों में योगदान, साहूकारों पर निर्भरता को कम करने में किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा कर पाई, इन पैरामीटरों पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की इनकम पर पीएम किसान योजना का प्रभाव भी अध्ययन करेगी। इसी तरह योजना के तहत किसानों के नामांकन में सुधार के लिए विभिन्न राज्य पहलों का अध्ययन करना, किश्तों के वितरण और शिकायत निवारण की समयबद्धता का अध्ययन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि इसके मूल्यांकन के लिए पीएम किसान योजना की संदर्भ अवधि 2020 से 21 से 2023-24 तक निर्धारित की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं।
वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।